जब से हमारे गेम के अंदर न्यू अपडेट आया है उसके बाद से हमारा गेम के अंदर हेडशॉट लग ही नहीं रहा है। मतलब हमारा जो एम है वे एनिमी के हेड पे लॉक हो ही नहीं रहा है। हमारा जो एम है वे हमेशा एनिमी के बॉडी पे लॉक हो रहा है एंड गेम के अंदर बस बॉडी शॉट ही लगा और किसी भी गन से मेरा हेडशॉट नहीं लग रहा है। वैसे ही आप लोग का भी नहीं लग रहा होगा बट गाइस फाइनली मुझे एक ऐसी सीक्रेट सेंसिटिविटी सेटिंग एंड एक ऐसा सीक्रेट फायर बटन का साइज पता चला जिसको अगर आप लोग यूज करो तो आपका सभी गन से एनिमी के हेड पे एम लॉक होगा एंड गाइस गेम के अंदर आप लोग का बस हेडशॉट ही लगेगा एंड सीक्रेट फायर बटन का साइज भी जिससे आप लोगों की बुलेट बहुत कम रिकॉइल करेगी। गेम के अंदर आप लोग का ज्यादा से ज्यादा एम लॉक होगा एंड ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट भी लगेगा। सो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग देखते रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो पहली बार तो प्लीज सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाके सभी लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। चलिए फाइनली आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को एकदम रीसेट कर दिया है। एक बार मैं फिर से आप लोग के सामने इसको रीसेट कर देता हूँ। इसमें जो सबसे पहले नीचे सेंसिटिविटी आती है उसका नाम है फ्री लुक एंड ये फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट हम लोग को 65 प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप लोग अपने फ्री लुक को 65 पे यूज़ करते हो जो आप लोग का ये फ्री लुक का बटन है वह अच्छे तरीके से रोटेट नहीं होता है, कभी कभी ये अटक जाता है जिससे आप लोग यार एनिमी को पीछे नहीं देख पाते या फिर लेफ्ट राइट में भी आप लोग रोटेट करके नहीं देख पाते हो। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि फ्री लुक की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके इसको 120 पे सेट कर देना। उसके बाद जो आप लोग का फ्री लुक का बटन बहुत इजीली रोटेट होगा एंड बहुत आराम से आप लोग लेफ्ट राइट रोटेट करके एनिमी की लोकेशन को देख पाओगे। यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वे यहाँ पर स्नैपर स्कोप एंड ये फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट हम लोग को 50 प्रोवाइड कराई जाती है एंड स्नैपर के अंदर एम लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को 50 पे यूज़ करते हो एंड स्नैपर को चलाते हो देन आप लोग का एक भी बुलेट एनिमी के बॉडी या हेड पर लॉक नहीं होता है। आप लोग का सारा बुलेट एनिमी के लेफ्ट राइट से निकल जाता है एंड अगर आप लोग को एनिमी को स्नैपर से डैमेज होना तो आप लोग ऐसे स्कोप ओपन करके तब एनिमी को बॉडी शॉट या हेड शॉट मारते हो जिसमें इतना टाइम लगता है कोई भी एनिमी आप लोग को बहुत इजीली हेडशॉट मार के चला जाएगा। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि स्नाइपर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके इसको 135 पे सेट करना। उसके बाद जो आप लोग का यहाँ पर स्नाइपर से हर एक बुलेट एनिमी के ऊपर ही लॉक होगा जो कि आप लोग मेरा देख सकते हो विदाउट स्कोप मेरा हर एक शॉट एनिमी को कनेक्ट हो रहा है। तो जरूर से आप लोग अपने स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी को 135 पे सेट कर लेना। अगली जो सेंसिटिविटी सेटिंग है उसका नाम है यहाँ पर 4x स्कोप एंड ये फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट हम लोग को 65 प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप लोग अपने 4x स्कोप को 65 पे यूज़ करते हो एंड गेम प्ले करते हो तो गाइस स्कोप ओपन करते ही आप लोग का एम एनिमी के बॉडी पे लॉक हो जाता है। आप लोग कितना भी ड्राई कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप लोग का हेडशॉट नहीं लगता है। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि 4x स्कोप की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके इसको 110 पे सेट कर देना। जैसे आप लोग इसको 110 पे करोगे उसके बाद स्कोप ओपन करते ही डायरेक्ट आप लोग का एम एनिमी के हेड पे लॉक हो जाएगा एंड गेम के अंदर आप लोगों का बस हेडशॉट ही लगेगा जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो। यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वह यहाँ पर 2x स्कोप एंड ये फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट हम लोग को 75 प्रोवाइड कराई जाती है। सेम गाइस 4x स्कोप की तरह अगर आप लोग अपने 2x स्कोप को भी ओपन करते हो इसमें भी आप लोग का डायरेक्ट एम एनिमी के बॉडी पे ही लॉक हो जाता है। कितना भी ड्राई कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप लोग का एक भी बुलेट एनिमी के हेडशॉट नहीं लगता है। तो गाइस सिंपली आप लोग क्या करना कि अपने 2x स्कोप की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके सिंपली इसको 112 पे सेट कर देना। उसके बाद स्कोप ओपन करते ही डायरेक्ट जो आप लोग का एम वे एनिमी के हेड पे ही चला जाएगा एंड लॉक हो जाएगा। आप लोग का बस गेम के अंदर हेडशॉट ही लगेगा जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो मेरा कितना ज्यादा हेडशॉट लग रहा है 2x स्कोप के अंदर। अगली जो सेंसिटिविटी सेटिंग है वह यहाँ पर रेड डॉट और रेड डॉट फ्री फायर के अंदर एम लॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी सेटिंग है। अगर आप लोग अपने रेड डॉट को 85 यानी कि डिफॉल्ट यूज़ करते हो एंड गेम खेलते हो तो गेम के अंदर तो पहले आप लोग का बॉडी शॉट लगता है एंड जो आप लोग की बुलेट है वह बहुत ज़्यादा रिकॉयल करती है एंड अगर आप लोग की बुलेट रिकॉयल करेगी एंड अगर आप लोग का एम स्टेबल नहीं रहेगा तो आप लोग का एम लॉक भी हो जाएगा, तब भी आप लोग का एम एनिमी के बॉडी पर चला जाएगा। तो सिंपली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करना कि अपनी रेड डॉट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके इसको 114 पे सेट कर देना। उसके बाद गाइस आप लोग का डायरेक्ट एम एनिमी के हेड पे ही लॉक होगा। गाइस गेम के अंदर आप लोग का एक भी बुलेट रिकॉयल नहीं करेगा जिससे आप लोग का गेम के अंदर ज्यादा से ज्यादा हेडशॉट लगेगा जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो। अगली जो सेंसिटिविटी सेटिंग है वह यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग है एंड ये फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट हम लोग को 65 प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 65 पे यूज़ करते हो एंड गेम प्ले करते हो तो सबसे पहले तो आप लोग का गेम के अंदर थोड़ा सा भी मूवमेंट स्पीड नहीं हो पाता क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बहुत कम है जिससे आप लोग का डिस्प्ले बहुत हार्ड रोटेट होता है एंड गेम के अंदर आप लोग का जो एम है वह एनिमी के बॉडी पर ही लॉक हो जाता है। आप लोग कितना भी ड्रैग कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप लोग का हेडशॉट नहीं लगता। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि जनरल
सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके इसको कर देना आप लोग 122 पे। एंड जैसे ही आप लोग फिर गेम खेलोगे आप लोग का फोन का डिस्प्ले सबसे पहले एकदम स्मूथ हो जाएगा। एंड गाइस गेम के अंदर आप लोग का डायरेक्ट एम एनिमी के हेड पे ही लॉक होगा। एंड गेम के अंदर आप लोग का बस हेडशॉट चलेगा, जो कि आप लोग मेरा देखो मेरा यहाँ पर कितना ज्यादा हेडशॉट लग रहा है यहाँ पर। तो मैंने आप लोगों को एम लॉक हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग बता दी। अब गाइस बात करते हैं फायर बटन साइज के बारे में। तो गाइस देखो जो मेरे फायर बटन का साइज है वो 47। एंड इसी फायर बटन साइज को यूज करके मैं गेम के अंदर बहुत हेडशॉट मारता हूँ। तो आप लोग भी इस फायर बटन साइज को यूज करो एंड गेम के अंदर ज्यादा ज्यादा हेडशॉट मारो। एंड अगर ये फायर बटन का साइज आपके फोन के अंदर वर्क नहीं करता है तो सिंपली आप लोग जिस भी फोन के अंदर गेम खेलते हो किस कंपनी का फोन है एंड कितने जीबी रैम का फोन है अगर वे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो देन मैं आप लोग को एक बेस्ट फायर बटन का साइज रिप्लाई कर दूंगा। तो जरूर से यार आप लोग अपने फोन का रैम एंड नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई होप आप लोग को हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी पसंद आई तो प्लीज सर सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज सभी लोग जाके इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। एंड हाँ गाइस अगर आप लोग इंस्टा पे मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो मैं आप लोग को तुरंत ही रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो जरूर जाके आप सभी लोग इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए गाइस यार बाय बाय एंड गाइस राधे राधे।